हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर और आप है। तो दोस्तों, एटीएम वालों, कैसा रहा आप लोगों का काउंसलिंग? आप लोगों ने बताया नहीं कैसा रहा आप लोगों का काउंसलिंग यार। मज़ा आया काउंसलिंग देखे? बहुत लोगों का इंतजार था सब, काउंसलिंग कैसा जगह, क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत लोगों का डेट का इंतजार था, 8 और 9 जून, वो भी बीत चुका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है जिसका नाम आया हो काउंसलिंग में उनका अच्छा गया होगा। जिनका नाम नहीं आया वो अपना बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के जॉब के लिए। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिनका नाम आया उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नाम नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ठीक है, आने वाले बिहार में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है जॉब से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग टेंशन मत रहिए। ठीक है, और चाहते हैं कि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे, हर चीज़ आपको जानकारी ऑथेंटिक मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हर चीज़ जो भी अच्छी बताया जाता है सब कुछ ऑथेंटिक बताया जाता है, सब कुछ रियल बताया जाता है, या फेक वीडियो नहीं बताया जाता। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ सब्सक्राइबर पाने के लिए मैं जो भी बताता हूँ या बनाता हूँ सब कुछ जानकारी देता हूँ, सही में जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग का एटीएम वालों टेंशन मत लीजिए, जैसा रहा ठीक रहा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब कुछ एटीएम से रिलेटेड कुछ आप लोग का ये अपडेट ये था कि एटीएम का कुछ एक जिला का हमारे पास जानकारी है कि सहरसा जिला का जो हमारा एटीएम काउंसलिंग होने वाला था वो उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उसका कब होगा एटीएम सहरसा का? सहरसा का एटीएम काउंसलिंग होगा 15 से लेकर 16 जून के बीच में होगा, यानी 15 जून और 16 जून के बीच में आपका होगा एटीएम का काउंसलिंग सहरसा में। और बीटीएम की अगर बात करें, ठीक है, उसमें भी कुछ दो जिला का एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, पता नहीं क्या कारण था, मुझे नहीं पता, बट बीटीएम अगर पोस्ट अगर बात करें तो दो जिला का उसमें एक्सटेंड किया गया। पहला जिला हमारा है नालंदा, उसके नालंदा का काउंसलिंग होगा। बीटीएम में मैं बात कर रहा हूँ, नालंदा काउंसलिंग 12 से 13 जून के बीच में होगा। ठीक है, और बेतिया का जो बेतिया जिसको हम बोलते हैं, वेस्ट चंपारण बोलते हैं, उसका काउंसलिंग होगा 15 से 16 जून के बीच में होगा, यानी 15 जून और 16 जून का होगा बेतिया का बीटीएम पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आप लोग से डाउट्स आ रहा था अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर को बता रहा, आप लोग बहुत सारा डाउट्स आ रहा है। ठीक है, ये तो रहा जो भी बात हमारा था एटीएम और बीटीएम से रिलेटेड था। अब उन लोगों का काम दाम सब कुछ खत्म हो गया, अब उनका भी वेट करना, रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर का, कि बाकी दो पोस्ट आप लोग ऑलरेडी मिल चुका है, बाकी दो पोस्ट बचा हुआ है। ठीक है, अकाउंटेंट का अगर बात करें, ठीक है, तो अकाउंटेंट का काउंसलिंग आपका होने वाला 13 से लेकर 14 जून के बीच में होगा, यानी 13 जून और 14 जून आपका 2 दिन काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, और स्टेनोग्राफर का काउंसलिंग अगर मैं बात करूँ तो स्टेनोग्राफर का काउंसलिंग होगा 16 जून और 17 जून, यानी 2 दिन इसका भी चलेगा, 16 जून और 17 जून, 16 जून और 17 जून। ठीक है, आप लोगों को बहुत डाउट आ रहा होगा, सर मैं ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है, क्या मैं काउंसलिंग में जा सकता हूँ नहीं जा सकता? मैं बता दूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बात, आप लोग पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो जा रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, लगता है आप लोग अपने वीडियो नहीं देख रहे हैं, नहीं। ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट अलग चीज़ है, शॉर्ट में लिस्ट आ रहा है वो अलग चीज़ है। ड्राफ्ट लिस्ट आपका पुराना पास्ट था, ठीक है, वो पीछे का चीज़ रह चुका है। ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिए। ठीक है, अब जो आपको दिमाग में ये रखना कि मेरा शॉर्ट लिस्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट रिलीज किया जा रहा है उसमें मेरा नाम है कि नहीं, उसमें आपका नाम है, मैसेज आपके पास आए या ना आए, आपको काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मैसेज आपका नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, यदि आपका, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फाइनल शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम है, अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एटीएम मीटिंग ऑलरेडी बात हो चुका है, आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम है, आपको काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, एटीएम सॉरी अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर का। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें मैसेज आपको आया है, आपका शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो नहीं जाना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी, बहुत लोग गलती से मैसेज आ जा रहा है, शॉर्ट लिस्ट में नाम है नहीं और उनके पास मैसेज आ जा रहा है। ठीक है, मैसेज आपको दो तरह का मैसेज आपके पास आएगा, एक आएगा कि आपको काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है, वो हो सकता है आप लोग नहीं जाना है। ठीक है, जिन लोगों का नाम लिस्ट में उन्हीं लोगों को जाना है। सेकंड भी मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड या स्वतंत्रता सेनानी हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड या स्वतंत्रता सेनानी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ काउंसलिंग में जाएंगे, अन्यथा किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, अन्यथा और लोग जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, उन लोग काउंसलिंग में नहीं जाएंगे। बहुत लोगों के पास क्या हो रहा है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से नहीं आते उनके पास मैसेज चला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग में नहीं जाना, वो आपको आपके लिए मैसेज था ही नहीं, वो उसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब जानते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, मान लिया 13 जून को हमारा अकाउंटेंट का हो गया काउंसलिंग, 13 14 जून का अकाउंटेंट का काउंसलिंग हो गया, और स्टेनोग्राफर का बात करना 16 से 17 जून हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद अगर बात करूँ, आपका 21 जून को एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, जो इसको बोलते हैं रिजल्ट आपका बन गए तैयार होगा, एटीएम बीटीएम अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर का। देखिए, जो भी रोस्टर रिलीज किया गया था उसके अकॉर्डिंग में नोटिस में सब कुछ लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने इसको कुछ नहीं बता रहा हूँ, उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जो ड्राफ्ट लिस्ट क्या कर सकते हैं या फिर जो मेन रिजल्ट आपका निकल के आएगा वेबसाइट पर अपलोड होगा 21 जून को, यानी 21 जून को आप लोग का सबका जो भी आप लोग हैं अप्लाई किए एटीएम बीटीएम स्टेनोग्राफर, ठीक है, अकाउंटेंट का सबका रिजल्ट किसने रिलीज होगा 21 जून को। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, किसी का मान लीजिए कोई दावा हो या कोई आपत्ति दर्ज है, जो भी रिजल्ट जारी हुआ उस पर कोई आपत्ति दर्ज है, और लोग आपत्ति दर्ज करेंगे कब से लेकर कब तक, 24 से लेकर 26 जून के बीच में आप लोग इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने आपत्ति दर्ज किया उसमें उस डेट को भी शो करेगा, 24 जून से लेकर 26 जून के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा 30 जून का, आपका फाइनल जो हमारा डेट है वो 30 जून। 30 जून को क्या होगा, मैं बात करूँ जो हमारा लास्ट सेकेंड लास्ट जून है, उस दिन क्या होगा कि जो भी व्यक्ति हैं ATM, BTM, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, चारों व्यक्ति हैं, आप लोगों ने अलग पोस्ट अप्लाई किया, उस दिन फाइनल लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। 21 जून को भी फाइनल लिस्ट बनकर तैयार होगा, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उससे थोड़ा सा 24 से 26 जून के बीच में उससे कुछ प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बट 30 जून को क्या होगा कि फाइनल लिस्ट होगा, उसके बाद कोई लिस्ट तैयार नहीं होगा, ठीक है। 30 जून का मतलब कह सकते हैं आपका रिजल्ट डे है, ठीक है। उस दिन सभी लोग का जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं चाहे वेटिंग लिस्ट में, दोनों लोग का लिस्ट में नाम वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। आत्मा वेबसाइट प्लस जो आत्मा की वेबसाइट पर रिलीज किया ही जाएगा, साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट है उस पर भी रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 30 जून यानी 30 जून का आपको वेट करना है, उसी दिन सबका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं कौन लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपको उसी दिन का वेट करना है, ठीक है। अब जानते हैं कमिंग टू द पॉइंट, बात करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन ये है सर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर का सर लिस्ट कब तक आएगा, ठीक है। देखिए 10 जून से लेके मैं बात करूँ 12 जून तक सबका अकाउंटेंट प्लस स्टेनोग्राफर जो भी लिस्ट डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट रिलीज हो चुका है, बट बाकी जो डिस्ट्रिक्ट अभी जो रिमेनिंग पार्ट है जो उनका रिलीज नहीं किया, 10 जून से लेकर मैं 12 जून के मैं बता रहा हूँ, 3 दिन के अंदर अकाउंटेंट प्लस स्टेनोग्राफर मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट है उसका रिलीज कर दिया जाएगा शॉर्ट लिस्ट, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ अब डाउट आ रहा है सर, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम है, ठीक है, वही काउंसलिंग में जाएंगे, या फिर जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम है प्लस ईमेल या मैसेज के द्वारा उनको बताया जा रहा है वही सिर्फ काउंसलिंग में जाएंगे, अन्यथा कोई व्यक्ति काउंसलिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी हो रहा है कि शॉर्ट लिस्ट में नाम है और ईमेल मैसेज नहीं आया, तो वो लोग भी काउंसलिंग में जा सकते हैं। बट जिनके पास मतलब यू भी मैसेज चला गया है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ट या फ्रीडम फाइटर को भी मैसेज चला गया है, ठीक है, और इसके डेट से बिलोंग भी नहीं करते, तो नहीं करते तो उन लोग काउंसिलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, वीडियो आप लोग बहुत देख रहे हैं पसंद भी करें बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब करें क्या पैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी समस्या आ रही है मुझे पर्सनली मुझसे बात कीजिए, मैं आपका हो सकता है मैं जितना मुझसे पॉसिबिलिटीज होगा मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जाए हिंद।